हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कीप वाचिंग माय वीडियो इफ यू इंटरेस्टेड। एंड हियर इज रेडू। रील्स बना रही थी दोखोना पहन के, हमारा बोडो की ट्रेडिशनल ड्रेस। एंड अभी मैं भी दोखोना पहनने वाली हूँ, इसलिए चलो पहले सनस्क्रीन लगा लेते हैं। एक्चुअली मैं वाओ की सनस्क्रीन लगाती हूँ, उससे मेरा फेस ग्लो करने लगती है। दैट्स व्हाई आई लव दिस। मैंने सनस्क्रीन लगा ली है और अभी फाउंडेशन लगा रही हूँ। अपने हैंड से ही लगा रही हूँ मैं फाउंडेशन। ये है लैक्मे फाउंडेशन, सो चलो इसको पहले लगा लेते हैं। अभी मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ एंड रेडू मेरे पीछे बैठ के बात कर रही थी। अभी फाउंडेशन लगा के मेरा फेस ज़्यादा ही ऑयली हो गया, इसलिए मैं पाउडर अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। एक्चुअली मुझे मेकअप करना नहीं आता गाइस, आप लोग मेरे वीडियो देख के हंसना मत। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू है एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दे सब्सक्राइब माई चैनल, आई एम वेटिंग फॉर यू। चलो अभी थोड़ा सा ब्लश लगा लेती हूँ अपने फेस पे। थोड़ा सा ब्राउन कलर की ब्लश से अपने नोज़ की शेप बना लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे नोज़ की शेप मुझे पसंद नहीं है। एक्चुअली मैं दोखोना इसलिए पहनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी फोटोशूट एंड वीडियो बनानी थी। दैट्स व्हाई आई एम आल्सो वेयरिंग दोखोना, अबाउट टू वेयर, अभी तक नहीं पहना मैंने। सो गाइस, अभी मैं दोखोना पहन चुकी हूँ एंड मैं रेडू को गाली दे रही थी क्योंकि वो मेरे पीछे मेरे बैकग्राउंड पे गाना बजा रही थी। एंड गाना बजाने की वजह से कॉपीराइट जो आता है, इसलिए मैं उसको गाली दे रही थी। मैंने इयररिंग्स भी लगा ली हैं एंड आप लोग को कैसे लगे मेरे इयररिंग्स कमेंट सेक्शन में बता देना। आज की वेदर बहुत ही नॉर्मल है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बस मीडियम की है। सो गाइस, थक चुकी हूँ मैं, एक भी रील अच्छा नहीं आया और नेटवर्क भी इतना ख़राब था, एक भी रील अच्छा बना नहीं पाया। मेरा मेकअप ऐसे ही भार में गया। खो मेरा इयररिंग, एक्चुअली ये मेरा नहीं है, मेरे रूममेट का है। और नेटवर्क भी इतना ख़राब था, एक भी रील अच्छा नहीं आया। अच्छा मेरे पीछे देखो, फूट नहीं कर रहा है। अभी मैं गुगुनी बनाने वाली हूँ, पता नहीं गुगुनी को क्या बोलते हैं। एंड हियर्स पोटैटो, टोमेटो एंड ऑनियन और टू चिल्ली रख दी है मैंने। अगर किसी को बनाना नहीं आता है और गुगुनी क्या है पता नहीं है तो देख लो, ये है मोटर, इसको पहले से ही पानी में रख दी थी, अभी वॉश कर लिया। एंड हेयर्स इसको पहले बॉईल कर लेते हैं।
मैंने कुकर पे पोटैटो एंड मटर ले लिया। अभी यहाँ पे हल्दी एंड सॉल्ट देके बॉईल करेंगे। एंड हेयर्स पोटैटो कट कर लिया आधा इसको फ्राई करने के लिए। एंड हेयर्स चलो इसको जल्दी से मिक्स करते हैं टर्मेरिक एंड सॉल्ट के साथ। ऑयल गरम हो चुकी है एंड टाइल्स इतना डर्टी है हमारा, टाइल्स साफ़ करने पड़ेगा। यहाँ पे रोज़ सब्जी बनाती है इसलिए डर्टी हो गए हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने पोटैटो रख दी थी इसको फ्राई कर लिया, अच्छे तरह से बॉईल कर लिया मैंने। देखो इसका कलर भी चेंज हो गई है क्योंकि मैं यहाँ पे टर्मेरिक दी थी। एंड हियर पोटैटो को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। चलो यहाँ पे जल्दी से गूनी ऐड कर दी है जो मैंने कुकर पे बॉईल की थी। मैंने घुगनी पे पानी एंड टोमेटो ऐड कर दी है, अभी इसको सूखने देते हैं। ऑल डन गाइस, घुगनी हो गई है, अभी हम लोग इसको खाएंगे मेरे रूममेट्स के साथ। एक्चुअली ये घुगनी इंडियन स्ट्रीट फूड है, आप लोगों को तो पता ही है जो जो इंडिया की है। एंड किस किस को घुगनी पसंद है कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने घुगनी तो बना ली है, अभी दिशा के साथ थोड़ा बात कर लो आप लोग। गाइस, हम लोग आज ये खाएंगे। क्या है ये? यहाँ पे चिकन चाव है। चिकन चाव कितने का है ये? 200। आज नहीं खाओगे? एक्सपेंसिव। क्यों नहीं खाओगे? हाँ ओके ठीक है, बाय बाय। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड नाइट एवरीवन।